I'm sorry. हम मर गए क्या? अरे तुमने बंदूक की गोली खाई या अफीम की? तुम्हें हम क्या यमराज दिखाई दे रहे? बंदूक की गोली लगने की वजह से आपकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई और कोई डोनर भी नहीं मिल रहा, इसलिए तुम्हें सॉरी कहना पड़ा। पर डॉक्टर साहब, कोई और रास्ता तो होगा। एक रास्ता है, आपके और आपकी माँ का ब्लड ग्रुप तुमसे मैच करता है, लेकिन उनकी सेहत देखते हुए वो आपको किडनी नहीं दे सकते। हाँ, एक डोनर है, लेकिन वो पैसे बहुत मांग रहा है, आप शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मिस्टर अजय, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। देखिए, लेकिन अब जो हो चुका है उसे हम वापस तो ले नहीं सकते, लेकिन आप घबराइए मत, हम आपसे वादा करते हैं कि करिश्मा सिंह के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हाँ अजय जी, हम भी बहुत शर्मिंदा हैं। ये करिश्मा जी हैं तो हमारी बहुरानी, मगर उनके गर्म मिजाज की वजह से हम भी बहुत परेशान हैं। क्या बताएं हम आपको? देखिए, ये सॉरी वगैरह से काम नहीं चलेगा, अगर ज्यादा देर हो गई तो हमें भी आपको सॉरी कहना पड़ेगा, इनकी जान भी जा सकती है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, गोली लगने की वजह से इनकी दोनों किडनियां डैमेज है और इंटरनल ब्लीडिंग भी ज्यादा हो गई। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं होगा तो इनके जान को खतरा भी हो सकता है। पर डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे? 25 लाख। 25 लाख? इतने पैसे हम कहां से लाएंगे? छोटू, 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 तुम ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, मेरा छोटू ठीक तो हो जाएगा ना? उसको कुछ नहीं होगा ना? तो क्यों परेशान लग रहा है? बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, हम है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तू क्यों रो रही है? मत रो, हम कुछ नहीं होने देंगे छोटू को, हम है ना, कुछ नहीं होने देंगे। माँ जी, अगर पैसे नहीं मिले तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। छोटू को कुछ नहीं होगा, हम है ना। डॉक्टर साहब, आप पैसे की चिंता मत करना, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, बस हमारे छोटू को ठीक कर दीजिए, हम अपना घर भेज देंगे। अम्मा। हाँ बेटा। हमने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, बदतमीजी की, सलूकी की, घर से बेदखल कर दिया, यहाँ तक कि वृद्धाश्रम के लिए भी पता करके आए, और आज जब ये घर तेरे नाम हो गया है तो तू इस नलायक बेटे के लिए वो बेचना चाहती है? घर तो तब घर होता है जब उसमें परिवार बसता है। जिस घर में तू ही नहीं छोटू, उस घर का मैं क्या करूं? वो घर तो हमारे लिए बस ईंट और पत्थर का ढांचा है बेटा, उस घर की कोई कीमत नहीं है तेरे सामने छोटू। बस तू ठीक हो जा मेरे बच्चे। सावित्री जी, एक बार फिर सोच लीजिए आप, कहीं ऐसा ना हो कि ठीक होने के बाद आपका औलाद फिर से रंग बदल दे। क्या फिर से आप दर दर की ठोकरें खाएंगी? सोचने की जरूरत ही नहीं है बेटा, हमारे बच्चों के सामने हमारे लिए घर कुछ भी नहीं है, और उनकी खुशियों के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन सावित्री जी, इन्होंने आपके साथ इतनी बदसलूकी की, पहले धोखे से आपका घर खुद के नाम करवा लिया और फिर आप ही को अपने घर से निकाल दिया। आप अभी तक माँ नहीं बने हो ना बेटा, इसीलिए माँ की ममताई की गहराई आप समझ नहीं पा रहे हो। जिस दिन माँ बनोगे सब समझ में आ जाएगा।
और हमारा क्या है, हम चले जाएंगे वृद्धाश्रम, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे बच्चों को कोई भी तकलीफ हो। काश वक्त का पहिया घुमाने की क्षमता होती हम में। अतीत में जाकर अपनी सारी गलतियां सुधार लेते। ठीक है, हाँ तो घुमा देते हैं वक्त का पहिया, कर देते हैं समय को थोड़ा पीछे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ अजय, तुम बिल्कुल ठीक हो। इनफैक्ट तुम्हें जो गोली लगी थी वो नकली थी। देखिए करिश्मा सिंह, हम इस प्लान से सहमत तो नहीं है। मैडम से फिर आप ही बताइए आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई दूसरा हल है। का? अरे कुछ ना करना छोटी, अजय सिंह के गोली मार दे। अजय, जब हम छोटे होते हैं तो हर बात के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं, उनके बिना एक कदम नहीं उठा पाते। वो हमें सब कुछ सिखाते हैं, चलना फिरना पढ़ना लिखना, कभी डांट कर कभी प्यार से, लेकिन इस सब के बीच भी वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। माँ बाप का बुढ़ापा उनके दूसरे बचपन की तरह ही होता है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी माँ गैस खुला रखकर भूल गई? ये तुम्हारा काम है उन्हें समझाना, उन्हें सिखाना, कभी प्यार से तो कभी डांट के, लेकिन इस सब में उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बाप की जिंदगी का आखिरी पड़ाव आरामदेह और सुखद हो, ये हर औलाद का फर्ज है। हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया है हसीना जी। हसीना जी, हम आपसे वादा करते हैं, अब से हम माँ जी को वही प्यार, वही सम्मान और वही इज्जत देंगे जो हमें हमारे लिए चाहिए। हाँ, अब हम मम्मा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और सावित्री जी, आप जिस आत्मविश्वास और रौब के साथ अपने अपने बेटे को घर बेचने के लिए कन्विंस किया, आवाज में वो रौब कहाँ चला जाता है जब बात खुद की हो, खुद की इज्जत की हो, प्रतिष्ठा की हो। आप जानती हैं, आपके बेटे ने जो कुछ भी किया वो सीनियर सिटीजंस 2007 एक्ट के तहत एक जुर्म है। आप चाहें तो अपने बेटे से अपनी आर्थिक स्थिरता का हक मांग सकती हैं और वो आपको मना नहीं कर पाएगा, लेकिन अफसोस ये बात आम जनता नहीं जानती और माँ बाप अपने बच्चों के घटिया व्यवहार से डर डर के रहते हैं। सावित्री जी, खुद का सम्मान करिए तो दुनिया आपका सम्मान करेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा, धन्यवाद। आज आप दोनों की वजह से हमें हमारा परिवार वापस मिल गया, और आज भगवान ने सिर्फ हमें हमारा छोटू ही नहीं, आप जैसी दो होनहार काबिल बेटियां भी दी है। हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता। बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखे। अब ये चाय कौन पिएगा? करिश्मा सिंह। मैडम सर, ये केस आपके हौसले और समझदारी की वजह से सॉल्व हुआ है, इसलिए ये चाय आप पीजिए। जब ये पूरा केस मां के सम्मान और प्यार की बात का है तो उस पे सबसे पहला हक सिर्फ आप ही का बनता है। लीजिए लीजिए। क्या बात है करिश्मा सिंह, पीजिए पुष्पा जी, इस थाने की इतने दिनों बाद पहली चाय अपनी बहू के हाथ से पीजिए।
हाँ वो लल्ला फोन कर रहे थे बार बार, थाने का फोन खराब है, हमको बोले आपको मैसेज देने के लिए। एक बात बताएं पुष्पा जी, आपको हमसे भले ही फोन पे लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, लेकिन आपका हाल पूछना कभी नहीं भूलते। हमारे लल्ला का फोन आया था, हमें पता था हमारा लल्ला हमें कभी भूल ही नहीं सकता, लाखों में एक है वो। हम जानते हैं आपका लल्ला लाखों में एक है। ये पकड़िए, ये जो आप वृद्ध आश्रम जाने का सोच के बैठी हैं, अपनी एफडी तुड़वा के बैठी हैं ना, उसके लिए। आपको क्या लगता है पुष्पा जी, आपका पीछा हमसे इतनी जल्दी छूट जाएगा? नहीं नहीं, हम इसे नहीं ले सकते। तो मेरे नाम करा दो पुष्पा जी। उफ, ये मासूमियत। आप लेती हैं या नहीं? हाँ, और ये दिमाग से ना ये घटिया बात सोच के बैठी है ना आप घर से जाने का, ये निकाल दीजिए बिल्कुल। बहुरानी किसकी है? पुष्पा जी, आपकी बहुरानी गर्म दिमाग है, बात बात पर बवाल कर देती है, पर इतनी बुरी भी नहीं है। चलिए अच्छा है मैडम सर, कभी तो अच्छा लगे आपको। सिर्फ दिल से, एसएचओ के हिसाब से अब भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी है। एसएचओ करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग सर। जय हिंद। और बताइए करिश्मा सिंह, क्या चल रहा है? सर बस इंतजार चल रहा है कि कब आप हमको टेम्पररी से परमानेंट एसएचओ बना देंगे और हम अपना थाना अपने तरीका से चला पाएंगे। जहां तक हमें रिपोर्ट मिली है कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया है, बात बात में किसी के ऊपर गुस्सा हो जाना, भड़क जाना, वो क्या कहते हैं ना कि किसी को भी कंटक बजा देना है ना। हमें जहां तक ऐसा लगता है कि क्या कचौरी है? क्या हुआ सर? नहीं नहीं, यही कह रहा था कि कचौरी बहुत स्वादिष्ट है। जी सर। हम कह रहे थे कि अपने आप संयम रखिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे गुस्सा बहुत कम हो जाता है। एक बार हम खाने पे आएंगे ना तो आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। अरे भाई जिम्मेदारी बड़ी है, तो जिम्मेदार बनिए ना। चलिए रखते हैं, जय। कौन है घर का भेदी? कौन है जो यहाँ का सारा खबर वहाँ पहुँचाता है? कौन करता हमारा शिकायत? मैडम, हम से हमारा रोमांस नहीं संभलता है मैडम, हम चुगलखोरी कैसे संभालेंगे? ये किसी और का डिपार्टमेंट है, समझिए। ए संतु, तुम पहुँचाती हो खबर डीएसपी साहब को? मैं? नहीं नहीं मैडम, मैं तो खुद सच के कैसे परेशान रहती हूँ हमेशा, मैं कहाँ चुगली करूंगी। नहीं मैडम, मैडम ये नहीं की होंगी, हम जानते हैं इनको, बहुत अच्छा से जानते हैं। वैसे मैडम हम लोग जो किया होगा वो पकड़ा जाएगा ना मैडम, अभी सुबह सुबह हम लोग नाश्ता करते हैं, है? कल आएंगे पुष्पा जी आप? गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। गजब, गजब हो गया, गजब मतलब गजब का बात है कि आप यहाँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लाई और वहाँ डीएसपी साहब भी कचौड़ियाँ खा रहे थे। इसको कहते हैं कोइंसिडेंस। हमें ऐसे क्यों लग रहा है पुष्पा जी कि कचौड़ियों के साथ साथ आप खबर भी पहुंचा देती हैं डीएसपी साहब को? शौक से थोड़ी ना गए थे, डीएसपी साहब ने बुलाया था इसलिए गए थे, अब जो पूछा बता दिया। हाँ तो इसको चुगली कहते हैं पुष्पा जी, आपको पता है ना, ड्यूटी कहते हैं इसे। डीएसपी साहब है वो, हम सबके सीनियर, अब उनका ऑर्डर तो मानना पड़ेगा ना, अब कुछ पूछेंगे तो बताएंगे भी नहीं। फिर भी रख रख रख, नहीं इधर नहीं इधर, वो झूठी हो गई। क्या झूठ कहा, क्या झूठ कहा, सच्ची तो कहा हमने। अच्छा तो सीनियर तो हम भी है यहाँ पर आपके, और हमारा ऑर्डर फॉलो करना भी आपका ड्यूटी है।
इसलिए अब से एक सप्ताह के लिए आप बैठिए अपने घर पर, और जब तक हम अगला ऑर्डर नहीं देते हैं थाने आने का जरूरत नहीं है आपको। आप हमें सस्पेंड कर रही हैं? कर दिया, तत्काल प्रभाव में। क्या हम हसीना मैडम से बात करेंगे? कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भी SHO है, हम भी SHO हैं। जितना उनके ऑर्डर का प्रभाव है ना, उतना ही हमारे ऑर्डर का प्रभाव है। और वैसे भी आपको सस्पेंड करने के लिए ना पुष्पा जी, आपका सीनियर होना काफी है, जो हम बहुत पहले से बने बैठे हैं। चलिए अभी 12:50 का बस मिल जाएगा, उसमें सीनियर सिटीजन का सीट भी मिल जाएगा। चलिए जाइए। सच में जाएं हम? पुष्पा जी चुपचाप सामान समेट कर निकल जाए, नहीं तो हम लोग को भी साथ में निकलना पड़ जाएगा, समझिए प्लीज। अरे कितना नौटंकी करती है मैं। क्या कचौरी लेके? अच्छा, कचौरी खाने आते हो थाने में या काम करने आते हो? कचौरी नहीं, काम करने आते हैं मैडम। तो जाके करो ना। हाँ मैडम। जय मैडम। जय हिंद, जय हिंद। पुष्पा जी कहाँ हैं? वो करिश्मा मैडम ने पुष्पा जी को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। अब भी जस्ट तत्काल भोकाल में। क्या, क्यों? मैडम सर एक हफ्ते से रोज रात को 3 बजे हमें उठाती है और अपने पैर दबाती है। इस उम्र में भी एक छुट्टी नहीं ले रही है। इतना समझाए हम उन्हें कि थोड़ा आराम कर ले, एक छुट्टी ले ले, लेकिन नहीं समझ रही, तो कर दिए हम सस्पेंड। अब जाएंगी, थोड़ा आराम करेंगी ना, तो एकदम फ्रेश होकर वापस आएंगी हम सबको परेशान करने के लिए। ठीक है, अच्छा किया। अरे चुप रहो तुम, तुमको तो शर्म भी नहीं आता चोरी करके हमारे सामने खड़ी हो? नो, वेरी बैड। मैं चोरी करूंगी? इसकी शकल देखिए जरा, शकल पे लिखा कितनी बड़ी चोरी। क्या महिमा लगा रखे हो? अरे तुम झगड़ा चल रहा है, जाओ जाओ घर, जाओ घर जाओ। और हाँ, अगर यहाँ रहना है, झगड़ा देखना है, तो बिरयानी खानी पड़ेगी। अभी ये देखने का ना, चाय पीना पड़ता है। ले आओ, देखो देखो देखो। अरे हमारा साड़ी किसने चुराया? तुमने चुराया। ये लो कंबक तो, और देखो मुझे क्या जरूरत पड़ी है इसकी साड़ी चुराने की? अरे इसने तो मेरे गैजेट्स चुरा लिए, तुमने मेरी रिस्टवॉच चुरा ली। सुनिए सुनिए। अरे अरे हम तुम्हारा गैजेट चुराए? हमारा नेकलेस कौन चुराया? तुम चुराई। और ये जो तुमने मेरी पूरी की पूरी वैनिटी किट चुरा ली, उसका कुछ नहीं? अरे तुम हमारा सेट भी चुराई हो। और ये जो लिपस्टिक लगाई है ना, ये कैक की लिपस्टिक है हमारी, 2000 रुपए की। और ये जो बाल में तुम्हारा सीरम है ना, ये भी हमारा है। मोटी वाली भाभी यही जीतेंगी, 200 की शर्त। ये लो, ये ले रहे 1000 रुपए, पकड़ जीतेगी तो नूडल बालों वाली। अरे ये क्या हो रहा है? बस कीजिए। अरे रुको 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 रुको, क्या हो, क्या क्या रही है? बस करिए आप लोग। अरे दीदी क्या कर रही हैं आप? खबरदार, जो एक कदम भी एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ाया तो। अभी हमने रोक दिया, लेकिन हमको रोकना मुश्किल हो जाता है। यार पूरा मजा खराब कर दिया, थोड़ी देर से नहीं आ सकते थे बीच बचाव के लिए? क्या तरीका है एक दूसरे से लड़ने का? यहाँ पर थाना है, हम लोग यहाँ से आकर बात करिए। औरत होकर इस तरह लड़ रहे, अच्छा लगता है क्या? ऐसे तो हम चोर भी नहीं लड़ते। बिल्लू नहीं, नहीं। क्या हुआ, क्या हो गया आप लोगों के बीच? अरे हमसे काहे पूछ रहे हैं, इससे पूछिए। ई है सारी फसाद की जड़, ई की है सब चोरी, इसी की वजह से हुआ है सब कुछ। हमने किया है सब कुछ? इंस्पेक्टर साहब Just look at my face. आपको लगता है मेरी जैसी इतनी क्लासिक फीमेल इसके मुंह लगेगी? आई बड़ी क्लासी चोर कहीं की? देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मुझे फिर से चोर कहा ना तो। वरना वरना क्या करेगी तू? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। बस करिए आप लोग। तू मेरा मुंह नोचेगी और मैं तेरी शक्ल देखूंगी चुड़ैल कहीं की। चुड़ैल? अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं दीदी, ऐसा गलत बात है। तुमने मुझे चुड़ैल बोला? हाँ, मैंने तुझे चुड़ैल कहा और मैं तुझे भूतनी भी कहूंगी। तुमने खुद का भी अपनी शक्ल देखी है शीशे में? एक नंबर की मेकअप की पुती हुई दुकान हो तुम। हम पुती हुई दुकान? चुप।
एक भी लफ्ज तुम्हारे दोनों के मुंह से निकला तो हवालात में डाल देंगे सीधा, तोपा खाएंगे दोनों की दोनों। बैठी बैठी प्लीज जी। अब बताइए मामला क्या है? अरे मामला क्या होना है मैडम जी, अरे चलती है वो चल मुखड़ी सीना हमसे, अरे बिल्कुल उससे बर्दाश्त नहीं होती हमारी खूबसूरती, हमको मालूम है ना? She's right. She's absolutely right, madam. कुर्ती है इनसे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती शीना से इनकी खूबसूरती। देखिए मैडम, जलती तो वो मुझसे है। Just look at me, my class, my style, my fashion sense, my followers, my fans. She's totally jealous of me. वही तो मैडम, इंस्टा पर इनके फॉलोअर्स देखकर जल बुनकर कबाब होती रहती है वो। मैडम ये देखिए, ये हमारे सेठ हैं। हाँ? अरे सेड सेड शेड्स, हाँ सेड्स, ये देखिए देखिए पूरे 15,000 रुपए के। हम जब दिल्ली गए थे ना, हम वहां से लेकर आए थे पूरे 4 घंटे की बार्गेनिंग के बाद। देखिए देखिए हमारे फोटो में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हम। अरे जैसे हम फोटो खींच के फैंस्टा पे डाले गायब, कहाँ गायब हो गए, कौन किए गायब, कौन किया? अजी और कौन, शीना ने, उसी ने चुराए होंगे इनके शेड्स। हाँ जेलस कहीं की, नर्क में जाएगी देखना। हाँ नर्क में जाएगी सीधा। अरे नर्क में तो उसकी सीट ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी है। Wait, I'll show you. Just see this. Gold plated, 30,000 rupees. Can you guys beat that? I mean, why would I steal hers? क्या मतलब दीदी? अरे ये उसका क्यों चुराएगी? अरे हाँ मैडम, कोई जरूरत ही नहीं है। अरे कोई भी देखकर कह सकता है कि प्लेटेड में कितनी गॉर्जियस, कितनी अमेजिंग दिखती हैं ये। बस यही उस पिंकी की बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ, चुरा लिया इनका प्लेटेड। Exactly. मतलब जरा सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती उससे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपकी बीवी की जो चीजें हैं वो आपके पड़ोसी पिंकी ने चुराया है। क्या बात कर रही है मैडम, पिंकी तो मेरी वाइफ है। क्या? अरे ये थोड़ी ना है मेरी वाइफ, मेरी वाइफ तो वो शीना है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपकी बीवी की जो चीजें हैं वो आपके पड़ोसी पिंकी ने चुराया है। क्या बात कर रही है मैडम, पिंकी तो मेरी वाइफ है। क्या? अरे ये थोड़ी ना है मेरी वाइफ, मेरी वाइफ तो वो शीना है। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अकेली सी पड़ गई थी बिचारी, इसलिए मॉरल सपोर्ट के लिए चला आया। बहुत ज्यादा दयालु हैं आप। थैंक यू। मतलब आप शीना के पति हैं और आप पिंकी के पति हैं? जी हाँ। मैं तुम्हारी मैया की सासू मैया, जाइए अपनी अपनी बीवियों के पास। और ये सारा चोरी का मामला है। अरे पहले तो छोटा छोटा चीज का चोरी होता था, पर कल तो मेरा नेकलेस ही चोरी हो गया और मेरी स्कूटी भी। ठीक है, आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी सामान चोरी हुआ है, प्लीज आप अपनी रिपोर्ट में लिखवा दीजिए। हम आपका सामान और चोर दोनों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अरे ढूंढना क्या है मैडम, एक हड़ी ना चोरनी, हम कह रहे ना किसी ने चोरी की, पकड़ो इसको, ये चोरनी है। इंस्पेक्टर आप इसकी फालतू बातों में मत आइए, आप जरा इसे ना अरेस्ट कीजिए, 3rd degree दीजिए, अपने आप बक देगी कि कहाँ रखती है चोरी का सामान। अरे चुप, तू चोर, तू चुप कर, बिल्कुल मैनर्स नहीं है, पता नहीं क्या बोलती रहती है चौल वाली औरत। शांत 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 हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। चीता और संतोष प्लीज इनका रिपोर्ट लिखिए जाकर। इधर आइए, इधर सॉरी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे आंटी जी यहाँ पे इस तरफ। अरे आंटी किसको बोल रही हो, आंटी दिख रही हो क्या? करिश्मा सिंह, सबसे पहले तफ्तीश की शुरुआत हमें उनके घर से करनी होगी, वहीं पर मिलेगा हमें कोई ना कोई सुराग। मैडम सर आपको जहां जाना है आप वहां जाइए, इस केस को हम अपने तरीका से समझेंगे। जय हिंद। आइए करिश्मा मैडम, सब रेडी है, हमारे बिरादरी के चोर लोग एकदम रेडी है, आप पूछताछ कर सकते हैं। करिश्मा मैडम द न्यू SHO,
उधर है। हाँ एक ही बार पूछेंगे, जवाब दे देना नहीं तो खाना पड़ेगा। मैडम ये बहुत भुक्कड़ है, ऐसे ही खाते रहेंगे का? ए, बिल्ले बिल्ले क्या रे? ये भी खाते रहेंगे का? क्या है देखो। कल ही एक घोड़े को थोड़ा सा खिला करना चेक किए हैं, अब तक भाग रहा है। 36 दर्जन लोग उसके पीछे दौड़े हैं उसको पकड़ने के लिए, रुक ही नहीं रहा। ओ भैया चश्मा कहाँ है? चश्मा ये घर पे है चश्मा। अरे मैया की सासु, हमने नहीं चुराया कुछ भी, हमने नहीं चुराया। हाँ मैडम बिल्ले एक मिनट साइड हटना जरा। कुछ नहीं होगा, अरे बहुत आसान, खा चलो। नहीं, 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 नहीं। मैडम सर करिश्मा मैडम ने अपना स्टाइल बदला है थोड़ा। धंधे की कसम ने चोरी नहीं की मैडम। मैडम मैडम मम्मी ये सच बोल रहा है, हमारे धंधे में धंधे की कसम खाकर कोई झूठ नहीं बोलता। छबिल्ला हाँ बहुत बढ़िया, तो जल्दी से बताओ कि कौन किस में स्पेशलिस्ट है और किसको किस में महारत है। अभी बताते हैं, ये देखो ये है छल्ला, खानदानी चोर है हमारे जैसा, लेकिन हमारा लेवल है ना एकदम अप है, मतलब हम बैंक बैंक लूटते हैं, पर इसका लेवल टुच्चू है, ये रास्ते पे पॉकेट मारता है, लेकिन मास्टरी है मास्टरी। लेकिन अभी क्या है ना धंधा बहुत मंदा चल रहा है, वो अब डिजिटल हो गया ना सब, लोग कैश वैश रखते ही नहीं है, इसीलिए मंदा है। और ये मिंटू ऑटोमोबाइल चोर, गाड़ियों के पुर्जे यूं उड़ा लेता है कि गाड़ी को भी नहीं पता चलता कि हमारा क्या क्या उड़ गया है। बहुत बढ़िया बिल्ला बहुत बढ़िया। अब देखो भाई हम अपना स्टाइल यूज करें, इससे पहले तुम अपना स्टाइल यूज करके इनसे कबूल करवा लो कि पिंकी और शीना के यहाँ पे चोरी हुआ है, वो इनमें से किसी ने किया है, और जो भी सामान चुराया है ना वो यहाँ पे इस टेबल पे लाके रख दे, वरना मैया कसम वो हाल करेंगे ना, इनकी पीढ़िया भी एक ही बात बोलेगी। दरोगा जी तो बहुत देखे पर तुम सा नहीं देखा, जानते हो ना? अरे तुम जानते हो तो काहे नहीं बता रहे हो, काहे नहीं मुंह खोल रहे हो? खुला मौत को दावत का, तुमको अच्छा लगेगा अस्पताल का खाना, दो चार महीने तक के लिए खाना। यहाँ का बहुत अच्छा रहते हैं। ए, हम बतिया रहे हैं ना? हाँ हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। तो नहीं अच्छा लगे तो बता काहे नहीं दे रहे हो कि पिंकी भाभी का और सीना भाभी का काका चुराए हो, कब कब कहाँ कहाँ कैसे चुराए हो? कौन पिंकी भाभी कौन सीना भाभी? पिंकी भाभी और सीना भाभी को नहीं जानते? अभी दिखाते हैं। दिखाते हाँ ये देखो ये कौन है दोनों? नहीं जानते ये दोनों कौन? नहीं जानते। हमारे धंधे में मैडम सबके इलाके बटे होते हैं मैडम। अरे बोला बोला। हाँ बटे होते कोई भी चोर मैडम दूसरे के इलाके में चोरी नहीं करता। अरे बता ना। नहीं करता। हाँ मैडम मैडम हम तो आपके पास ही आने वाले थे रिपोर्ट लिखाने के लिए कि हमारे एरिया में चोरी हुआ है, बोला रे। हाँ मैडम सत्य मैडम, पकड़िए ना उस चोर को, डंडे मारिए तीन चार। हमारी भी तो इज्जत का सवाल है मैडम, हम चोरों की भी तो इज्जत होती है। देखो भैया चोरी हुआ है तो मतलब चोर भी है, अब तुम लोगों में से किसी ने नहीं चुराया तो तुम्हारे भाई बंधु होंगे, कोई तो है जो ये चोरियां कर रहा है। कोई बात नहीं, आराम से प्यार से टाइम लेके इत्मीनान से सोच के 5 मिनट में बताओ कि चोर कौन है। संतोष शर्मा अब हमें पिंकी और शीना दोनों के अकाउंट्स दिखाइए। कोई फायदा नहीं है मैडम सर, मैंने चेक किया एकदम खाली है अकाउंट। फैंस्टा अकाउंट्स दिखाइए। ओ सॉरी। हाँ तो भैया एक ही मिनट बचा है आराम से सोचने के लिए, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पता लगा लिया है कि असली चोर कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा मैडम सर? ऑनलाइन मैडम सर, सामान नहीं है चोर है,
ऑनलाइन कैसे ढूंढेंगी आप? मैडम सर, ये लोग पके हुए, छटे हुए, घुटे हुए पुराने पापी हैं। अगर ये लोग नहीं तो इनके भाई बंधु होंगे। खातिरदारी करेंगे ना इनका तो सब खाए पे उगल देंगे ये लोग। उसकी कोई जरूरत नहीं है करिश्मा सिंह, आप सब जा सकते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि कभी कभी हवाओं के रुख के मिजाज से चिराग जलाना चाहिए, हमेशा हवाओं के गुरूर का आजमाना ठीक बात नहीं। हमने पिंकी और शीना के सोशल मीडिया अकाउंट्स, फैंस्टा अकाउंट, सबको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। पहली बात कि ये जो कुछ भी खरीदती है ये सीधा ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। एक दूसरे के साथ एक स्टूपिड कॉम्पिटिशन के चक्कर में महंगी महंगी चीजें खरीदना, फिर उन्हें खरीदते ही ऑनलाइन पोस्ट करना ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलोइंग मिले और लाइक्स मिले। लेकिन इस सब के बीच में इन दोनों ने ये नहीं सोचा कि ये जो भी चोर है इनके अकाउंट्स पर नजर रखे हुए है। ये जैसे ही किसी नई चीज के बारे में पोस्ट करती है कुछ दिनों में माल साफ। ओ, मतलब डिजिटल चोर। संतोष शर्मा और चीता चतुर्वेदी, इन दोनों के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उनकी आईपी एड्रेस को ट्रैक करिए। मान गए मैडम सर, लेकिन लेकिन आप भी कमाल की है ना मैडम सर, मतलब खड़े खड़े सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन कर दी। नहीं चीता, असली चुनौती अब शुरू होती है, घास के ढेर में से सुई ढूंढना, पिंकी और शीना के फॉलोअर्स में से असली चोर को ढूंढना। यार, सॉरी सॉरी चिकी चिकी लबल 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 बहा, चिकी चिकी लबल लबल बहा। चिकी चिकी लबल लबल बहा। मैडम सर, ये इनकी आज की एक्टिविटी है। चिकी चिकी लबल लबल बहा। ये नहीं सुधरने वाली है, मूर्ख का दोस्ती जी का जंजाल। करिश्मा सिंह, ये भी देखिए कि हमें कम से कम इतना तो पता चला कि अगली कौन सी चीज है जो चोरी होने वाली है। वाओ, क्या जमाना आ गया। आजकल के चोर मोबाइल में बैठकर सेंध लगा लेते हैं। इल्लू भाई, तुम तो खानदानी चोर हो ना? अरे वो कहाँ खानदान वाला जमाना रहा इकबाल। हम जब चोरी चकारी करते थे तो उसमें मेहनत होती थी, डेडिकेशन होता था, ईमानदारी होती थी। आजकल के चोर लोग लोगों के घर में घुसने के बजाय लोगों के मोबाइल में घुसकर चोरी कर रहे हैं। अच्छा हुआ हमारे बाबूजी ये सब देखने से पहले स्वर्ग सिधारे, वरना हमारे बाबूजी, अरे बिल्लू ऐसे करके कैसे मोबाइल में घुसते। डिजिटल इंडिया में मैडम। हाँ सर, सर हम नहीं जानते वो आर्टिकल कैसे लीक हुआ। हाँ हमने पढ़ा। देखिए मिस मलिक, इस केस पर सबकी निगाहें टिक चुकी है, आप एक काम करिए, ये केस साइबर सेल के हवाले कर दीजिए। नहीं नहीं सर, देखिए हमने इस केस के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है, हम आज के आज ही इस चोर को पकड़ लेंगे। ठीक है मिस मलिक, जो भी करना है करिए, हम सब जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी आप हमें निराश नहीं करेंगे। अरे यार, चटनी चटनी नहीं, हमने जो चटनी पड़ी है ना उसमें मजा नहीं है। अच्छा अच्छा, 24 घंटे का टाइम देता हूँ चटनी के लिए। अरे नहीं, उस चोर को पकड़ने के लिए। अगर 24 घंटे में वो चोर पकड़ा जाता है तो ठीक, नहीं तो ये केस साइबर सेल के हवाले कर दीजिएगा। नहीं सर, उसकी नौबत नहीं आएगी, हम इस चोर को पकड़ लेंगे। जय हिंद। जय हिंद। हेलो, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ? हम बोल रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ नाम बोलिए, कौन कौन बोल रहा है? मतलब आपने कहा ना अभी हम बोल रहे हैं, तो मैं वही पूछ रही हूँ कौन कौन बोल रहे हैं। ऐसे आवाज तो किसी एक ही लग रही, वो भी जानी पहचानी लग रही है। हम जड़ बुद्धि, हम बोल रहे हैं हम। पुष्पा जी, आप बोल रही है तो
अब तो ये क्या हम बोल रहे आप अमिताभ बच्चन थोड़ी ना हो। क्या बोलोगे हम बोल रहे और मैं समझ जाऊंगी कि आप बोल रहे हो। बोलिए हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रही हूँ तो समझ में आएगा। हम काहे के हेड कांस्टेबल संतु, इस हमारी बहू रानी के चक्कर में सस्पेंड होकर घर पे बैठे मक्खियां मार रहे हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ थाने में क्या चल रहा है? वही साइबर चोर वाला केस चल रहा है, उसी को सॉल्व करने में सब लगे। काश हम भी वहाँ होते संतु, बहुत याद आ रही है हमें हमारी ड्यूटी। आप बताइए आप क्या कर रहे हो? जय हिंद मैडम। जय हिंद पुष्पा जी। मत पूछो संतु, अब क्या बताए तुम्हें। सुबह उठते ही पहले मलाइका के हाथ की बनी चाय पियो, फिर नाश्ते में क्या बनाना है ये मलाइका को बताओ, फिर नाश्ता करो, फिर दोपहर में खाने में क्या बनाना है ये भी मलाइका को बताओ, और फिर दोपहर का खाना खाओ। पहली बार ऐसा इंसान देखा है जिसको आराम करने में भी इतना तकलीफ है। फिर शाम को उसके हाथ की बनी चाय पियो, उसके बाद फिर फ्रूट सैलेड खाओ, और फिर रात में खाने में क्या बनाना है ये भी बताओ, और फिर रात का खाना खा के। पुष्पा जी एक एक मिनट, मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो? ये सब तो आप मलाइका क्या कर रही है वो बता रहे हो। खैर वो सब छोड़ो ना, जरा करिश्मा मैडम को टटोल कर देखो ना कि उनके मन में क्या चल रहा है हमें ड्यूटी पर वापस बुलाने के बारे में। उनको बोल दो कि हमको पहले जब तड़केदार और मसालेदार राजमा चावल मिलेंगे ना, उसके बाद हमारा दिमाग चलेगा और फिर सोचेंगे ड्यूटी पर बुलाना है कि नहीं। पूरा मार्केट में ना खाली एक ही सवाल गूंज रहा है कि इस साइबर वाला चोर कब पकड़ा जाएगा। एक बारी पिंकी भाभी और सीना भाभी वाला चोर पकड़ा जाए ना तो मजा आ जाए मैडम। वैसे क्या लगता है आपको, ये हसीना मैडम का प्लान जो है वर्क करेगा? अब भाई हमको क्या मालूम, हवा में तीर छोड़ा उन्होंने, अब लग भी सकता नहीं भी लग सकता, अब हम क्या बोल सकते हैं। पॉइंट। आइए पुष्पा जी, सुन रही थी वो? पुष्पा जी मैडम सर आ गई है, साथ में पिंकी और शीना को भी लाई, मैं बाद में फोन करती हूँ। नहीं नहीं सुन, फोन कट मत करना, हमें भी तो पता चले वहाँ क्या चल रहा है, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही थोड़ा केस से तो जुड़े रहेंगे ना। फोन कट मत करना। हाँ तो हम जाएंगे। अरे मुझे जाना। अरे हमको जाना है, तुम हटो। खड़ी रहो यहाँ पर दोनों की दोनों। अरे हमको कोई ये बताएगा हम दोनों को क्यों बुलाया यहाँ पर? एग्जैक्टली ये जानने के लिए कि आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है। अरे इतनी चोरियां हो गई आपके साथ, उसके बाद भी आपका शो ऑफ है कि खत्म नहीं हो रहा। कभी महंगा ब्रेसलेट, कभी पर्स, तो कभी ये इतना महंगा नेकलेस, उनके फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर डालती रहती है, इससे तो उस चोर का काम आसान हो गया है। सी ऑफिसर यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर हम लोग ऐसी पिक्चर हर घंटे नहीं डालेंगे ना तो यू नो दम घुटने लगता है, बेचैनी सी हो जाती है, सफोकेशन हो जाता है हम लोगों को, यू सी। अरे हाँ बिल्कुल सही बोल रही है ये, हमारा तो हाथ पांव कांपने लगता है और हमारा वो खाना पीना भूख सब गायब हो जाता है। जी और आपके इसी एडिक्शन का फायदा उठाता है वो ऑनलाइन चोर, जो बराबर आप दोनों के अकाउंट्स पर नजर रखे हुए, जैसे ही आप कोई नई चीज पोस्ट करती हैं उसे चुराने के लिए सामान मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रही है मैडम सर। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये पिंकी चोर नहीं है? अरे चोर तुम है, तुम चोर है, चोर कहीं की। शांत शांत शांत, आप दोनों में से कोई भी चोर नहीं है। आपके फॉलोअर्स में से कोई चोर है जिसकी नजर फिलहाल आपके इस ब्रेसलेट और आपके इस महंगे नेकलेस पर है, जिसे वो चोरी करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए फिलहाल आप यहाँ पर हमारे साथ इस थाने में रहेंगी, हमारी मेहमान बनकर। अरे इसके साथ with this lady, my God. अरे नहीं नहीं प्लीज कोऑपरेट। करिश्मा सिंह जी मैडम सर, चलिए उस चोर को पकड़ के लाते हैं। चलना तो पड़ेगा मैडम सर, क्योंकि तुक्के का तीर है, गलती से लग गया तो फिर कोई होना चाहिए ना वहां पे उनको समझाने के लिए कि जो कानून तोड़ता है, जब उसकी खुद की तोड़ाई होती है ना तो कितना मजा आता है। आइए दीदी आइए। काश हम भी ड्यूटी पर होते तो अच्छा सबक सिखाते उस साइबर चोर को। बदाम भाई। सॉरी मैम। क्या टोपा हो क्या, आंख दिए तो सिर्फ फोन ही देखोगे, वास्तविक दुनिया यहाँ चल रही है भैया। अच्छा हुआ दाग नहीं लगा, अगर हमारी वर्दी पर दाग लग जाता ना तो फालतू में बवाल हो जाता, और ये पूरा दुनिया जानती है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हमारा वर्दी पर दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते।
बच्चे हो इसलिए छोड़ रहे हैं, वरना ना वरना वरना क्या हो जाता मैम? बदनाम मैडम, किस खुशी में? कितनी बार समझाया तुमको कि जो चाय है तुम अपना टेबल पे बैठ के पिलाया करो, या सड़क पे बैठ के नहीं। इस गरीब को मारने से क्या होगा मैम? मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चीते, चीते चतुर्वेदी। हाँ मैडम। डाल इसको हवालात मैम। कुछ घंटे हवालात में रहेगा ना तो अपना पकड़ ठिकाने आ जाएंगे। देखिए मैडम। क्या देखिए मैडम? चल फोन दीजिए प्लीज। आप भी दीजिए मैम। अरे प्रभु दीजिए। मैडम सर ने कहा है फोन आप यूज नहीं कर सकते। अरे मैडम अंदर चल। थाना के सामने खड़े होकर पुलिस वाले से पंगा लेते मारेंगे ना। चल भीतर भीतर चल चल भीतर। क्या ये कैदी है? ये कैदी? अरे इस थाने में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तुम जब चाहो किसी को भी पकड़ कर मेरे बिल्लू निवास में पटक दोगे। अरे मेरी भी एक प्राइवेसी होती है, एक स्पेस होती है। अरे मैं कुछ बोलता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कुछ भी हो। देखो मैं अपना बिल्लू निवास किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। इसको अभी का अभी बाहर निकालो। ए निकल 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 निकल। करिश्मा मैडम बोली है। अरे करिश्मा मैडम बोली तो क्या क्या करूंगा मैं? कुछ भी नहीं। रखो लेकिन कम टाइम के लिए रखो प्लीज। अच्छा एक बात बताना, क्या लगता है आपको कि कौन केस सॉल्व करेगा इस बार, करिश्मा मैडम या हसीना मैडम? संतु जी, संतु जी पूरा थाना में आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ना? कभी कोई था ना कभी होगा, तो आप ही बताइए ना कौन जीतेगा। भगवान पकड़ेगा? नहीं सोच रही हूँ मैं। आप सोचती भी कितना अच्छा है ना। अच्छा अच्छा सोचती है ना संतु जी, बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा सोचती है। बताइए ना क्या सोच रही है? यही कि कितने बार इतने अच्छे से हसीना मैडम ने केस सॉल्व किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम कामली हर एक केस को सॉल्व करती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी ना हसीना मैडम ही सॉल्व करेगी। वाओ इतना गहरा सोचने के बाद एकदम नया सोचा। हमको ऐसा लगता है ना संतोष जी कि इस बार ना शायद करिश्मा मैडम ना वो पकड़ेंगे। हमारा छठा इंद्री बात कर रहा है। एग्री एग्री, करिश्मा मैडम ही ये केस सॉल्व करेगी। ओ मैडम मैडम फोन फोन नहीं फोन नहीं फोन नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम सो सॉरी। फोन 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 मैडम सर का ऑर्डर, आई एम सॉरी। अरे हमारा बात तो सुनिए, हमको बस अपना फॉलोवर्स चेक करना है कि इससे ज्यादा बड़ा है कि नहीं, फिर वापस ले लेना। एक्सक्यूज मी मैम, इवन मी टू भी, मुझे अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स चेक करने हैं। तड़प रहे होंगे ना, कितनी देर से मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली। प्लीज मैम ओनली 2 मिनट्स। बट नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। नो नो मींस नो, एन ओ, दैट्स इट। करिश्मा सिंह, जैसा कि हमने प्लान किया था, हमें से जिसका भी आमना सामना उस चोर से होगा वो दूसरे को सिग्नल देगा। और सिग्नल कैसे देना है? जो हम दोनों के पास सीटी है उसे 3 बार बजा के। क्लियर? जी मैडम सर। वो पर इस बात का क्या गारंटी है कि चोर यहाँ आएगा? करिश्मा सिंह, अगर आपने उस चोर का पैटर्न ऑब्जर्व किया होता तो आप ये समझ जाती कि वो फोटो पोस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर चोरी करता है। हमें पूरा यकीन है कि इस बार भी वो यही करेगा। आपके कहने का मतलब है कि चोर सिर्फ चोरी नहीं करता है, उसको चैलेंज देना भी पसंद है। एग्जैक्टली तजुर्बा कहता है हमारा कि कामयाबी इंसान को थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट तो बना ही देती है, उसे चैलेंजेस में मजा आने लगता है। और अब यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें उस चोर तक पहुंचाएगा, पहुंचाएगा भी उसे फंसाएगा भी। बस आप सीटी संभालिए और वक्त रहते हमें इशारा कर देना। जी मैडम सर। माफ करना मैडम सर, लेकिन इस बार चोर को तो SHO करिश्मा सिंह ही पकड़ेगी।
करिश्मा सिंह, क्या हुआ? अरे रुको, करिश्मा सिंह क्या हुआ? अरे रुको, करिश्मा सिंह हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, कैसे हुआ मैं चोरी करने का? हाँ रुको, क्या कही के? अरे बाप, हिम्मत कैसे तुम्हारी, हिम्मत कैसे? हाँ अरे रुको, नहीं पकड़ेंगे, अरे रुको, नहीं पकड़ेंगे, अरे रुको, अरे रुको, अरे बाप रुको, रुको, रुकिए करिश्मा सिंह, रुकिए, मारने से पहले देख लीजिए किसे मार रही हैं। पिंकी का पति है वो। मैं तुम कहाँ से आए बे? मैडम मैं आपको इतनी देर से रुको 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 बोल रहा हूँ। और अपने घर में कौन चोरों की तरह आता है? तुम हम तो चोरी समझेंगे ना मैडम से? मैडम आपको पता नहीं है कि मेरी बीवी कितनी स्ट्रिक्ट है, उसे घर में लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए छुपते छुपाते खिड़की के रास्ते घर में आ रहा था, लेकिन आपने जो बिना सोचे समझे मुझे जो धोया। एक मिनट करिश्मा सिंह, अगर चोर यहाँ नहीं आया तो कहाँ है? मैडम सर शीना और पिंकी तो थाने में है, तो कहीं चोर। चलिए लेट्स गो, लेट्स गो। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा थाने में? काम के वक्त कोई काम नहीं आते। करिश्मा जी प्लीज संभाल के। जय हिंद मैडम सर। पुष्पा जी आप थाने में हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं मैडम सर, हम तो घर पर हैं। और आपने हमें मोबाइल पे कॉल किया है। अगर आप चाहें तो हम फटाफट 20 मिनट में तैयार होके आ जाते हैं थाने। नहीं नहीं, आप घर पे आराम करिए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। सुनिए तो थाने। कैसे हुई चोरी? हमने पूछा कैसे हुई चोरी? वो मैडम सर हुआ ये कि मैडम सर ने कहा है फोन आप यूज नहीं कर सकते। ये रख दिया। परफेक्ट। वो हाथ पीछे लाओ ऐसे। ये हाँ? ये ऐसे ऐसे पोजीशन। ऐसे हाँ हाँ लाया। इसको पूरा स्ट्रेच करो। मेरी कमर फंस गए, फंस गए, निकल भाई निकल, फंस गए। मेरा हाथ किधर से किधर? मैं तुम्हारा हमारे सामान के साथ खिलवाड़ काहे कर रहे हो तुम? तुम्हारा सामान कब से हो गया रे? सामान कब से? अरे यार रुको, काहे का जितनी 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 जितनी। अरे आराम से, आराम, ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। सीधे तो इतना बड़ा धोखा, इतनी स्मार्टली वो लड़का चोरी करके चला गया। उसने जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाया। मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। जेल के अंदर गया, उसको हवालात में डाल, कुछ घंटे हवालात में रहेगा ना तो अपना पकड़ ठिकाने आ जाएंगे। हमारे जाने का इंतजार किया और फिर अपना काम करके निकल लिया। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा, थाने में चोरी। सॉरी मैडम सर, आप स्मार्ट हो पर मेरे जितनी नहीं। टीनेज लड़का हमारे थाने आया, हमको बेवकूफ बनाया, हमारे नाक के नीचे से चोरी करके चला गया और हमको पता तक नहीं चला, बताओ। आप लोग मौका निकालो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है? तुम दोनों क्या टोपागिरी कर रहे थे उसका का? वो मैडम, वो बिल्लू अटका हुआ था। क्या? अभी भी अटका हुआ ही है वैसे। देखिए ना, गांठ पड़ा हुआ है अभी भी उसमें। अरे तीते छुड़ाया, 3 घंटे हो गए इसी अवस्था में हूँ, पता नहीं इसी अवस्था में अस्त हो जाऊंगा। अरे चुप रहो ना, आ रहे हैं ना तुम्हारे चक्कर में। अगर हम वहां होते ना तो कभी ऐसा नहीं होने देते। हमारे रहते मजा ले जो हवा भी इधर से उधर हो जाए थाने की। पुष्पा जी हाँ, उनको पूछिए तड़केदार राजमा चावल बनाया उन्होंने अभी तक? पुष्पा जी राजमा,
काट दिया। हाँ। अरे जो भी हो पर मैडम जी आपका प्लान तो फेल हो गया ना। आप चोर पकड़ने वाले थे, यहाँ तो चोर थाने में आके चोरी करके चला गया, ऊपर से हमारा कीमती वक्त बर्बाद हुआ वो अलग। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, तुम्हारा कौन सा कीमती टाइम? अरे कीमती टाइम तो मेरा बर्बाद हुआ है, 4-5 घंटे से मैंने एक भी फोटो अभी तक अपने फैंस स्टार पे डाला ही नहीं है। मेरे फॉलोअर्स मेरे फैंस कितने निराश हो रहे होंगे, उदास होके बैठे होंगे, जस्ट इमेजिन। अरे 10-12 फॉलोअर्स को फैंस नहीं कहते, और गलती कहते जो कुछ लोगों से हो गया है। ओह गॉड लुक एट दिस इरिटेटिंग फीमेल ऑलवेज पुअर विद नंबर्स। मेरा नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है, माय मेरा मेरा। चुप, निकलो निकलो, आप घर जाइए यहाँ से, चलिए। अरे मैडम पर हमारा नेकलेस, आप फैंस पे देख लीजिएगा आपका नेकलेस, जाइए अभी यहाँ से, जाइए आंटी प्लीज, प्लीज जाइए, प्लीज भाभी, प्लीज भाभी, बिकॉज़ ऑफ यू, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू, तुम्हारी वजह से देख लेंगे तुमको। पूरा रात निकल गया संतु, कुछ मिलेगा हमको? हाँ हाँ मिलेगा ना, मैं बदनाम को बोल के चाय मंगवाती हूँ, फ्रेश फील करेंगे। बदनाम सुनो ना संतु, सुनो, चोर के बारे में कुछ मिलेगा हमको? ओ सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, आप ये देखिए मालूम, आधे से ज्यादा फॉलोअर्स नकली है यहाँ, पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए फेक फॉलोअर्स का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चल रहा है। सॉरी सॉरी, पैसे फेंकते हैं फॉलोअर्स खरीदते हैं। जय हिंद सर। कितने शर्म की बात है मिस मलिक, एक चोर आता है आपके थाने में, घुसता है, चोरी करता है, चोरी करके चला जाता है, आप लोग कुछ नहीं कर पाते। आप लोगों ने पूरे डिपार्टमेंट का सर शर्म से झुका दिया है। अरे ये हुआ भी किस थाने में, जिस थाने में दो दो SHO तैनात हो। माफ कीजिए सर, हम कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिन हालात में ये सब हुआ कोई भी धोखा खा सकता था। वो चोर महज 18-19 साल का एक टीनेज लड़का है, जो किसी भी एंगल से चोर नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम पर्सनली इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने में मालिक, जितना वक्त दिया था हो गया, और अभी केस साइबर सेल को चला जाना चाहिए। जय हिंद। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूँ। उस चोर का मैं ऐसे बारीक 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 खुलिया बताऊंगा कि आप तो मतलब आप तो एकदम प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट है, अरे 5वीं कक्षा का बच्चा भी यू फटाक से फोटो बना लेगा। तो आप रेडी है ना? उसकी तो आंखें थी। हाँ नहीं, वो मुझे लगा चोर है ना तो 3-4 आंखें होंगी, चारों तरफ देखना होता है। इग्नोर इग्नोर, आगे बढ़ते। तो इनकी आंखें जो है वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी ऐसी गोल गोल थी। बड़ी बड़ी या छोटी छोटी, बी स्पेसिफिक। वो जो वैसे देखता था ना तो एकदम बड़ी बड़ी, और ऐसे स्माइल करके देखता था ना तो ऐसे छोटी छोटी। और रंग? रंग हल्का गोरा। और एकदम जबरदस्त हैंडसम, चोरों का धूम चोर ऋतिक रोशन। समझ लीजिए मेरे जैसा। मेरे जैसा क्या, मैं ही समझ लीजिए। आगे आगे से इतना ही हैंडसम? अरे मेरा मतलब है हाइट कितनी थी। अच्छा आगे से हाइट मेरी जितनी पकड़ लीजिए। बन गया? हाँ बन गया। हाँ दिखाओ। वाव वेरी फास्ट। ये चोर का स्केच है? हाँ? ये क्या बनाया? हल्का गोरा बोला था। गोरा नहीं लाल कर देंगे तुम्हारा चट्टान। अब इस पे माला चढ़ जाए ना उससे पहले तुम कट लो। और तुम अब हम जो हुलिया बता रहे हैं ना वो बना। जी हाँ जी बताइए।
आंखें भूरी, हाँ जी, गोल चेहरा, जी हाँ, मैं S.H.O करिश्मा सिंह और ये हैं S.H.O हसीना मलिक जी, महिला थाना लखनऊ। आपने हमें यहाँ पर बुलाया था। जी हाँ जी, मिस्टर शुक्ला से मिलना है। I'm sorry, वो नहीं रहे। नहीं नहीं, उनका ट्रांसफर हो गया, अब उनकी जगह हम हैं। बंदे को विक्रम कहते हैं। यादव, मुझे लगता है आप उस साइबर क्राइम केस के सिलसिले में मदद लेने आई थी, राइट? जी, यू आर राइट। डीएसपी साहब के ऑर्डर्स हैं कि हम मिलकर इस केस को सॉल्व करें। इनफैक्ट हमें भी ऐसा लगता है कि आपके डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स और हम मिलेंगे तो ये केस जल्दी और ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व होगा। ऑर्डर साथ में काम करने का नहीं, बल्कि ये केस अब साइबर सेल को दे दिया है मैडम। विक्रम, यस, कम ऑन, चेहरा विक्रम, कम ऑन। जी बिल्कुल ठीक, लेकिन हमारी आपसे ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ये मामला हमारे थाने से रिलेटेड है, इसलिए हम भी ये केस सॉल्व करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपकी परमिशन हो तो, बाकी डीएसपी साहब से हम बात कर लेंगे। देखिए, आप जानते ही है कि एक लड़का अपनी मासूम चेहरा और अपनी उम्र का फायदा उठाकर हमारे थाने में घुसकर, थाने में चोरी कर थाने को दागदार करके चला गया, और उस चोर को पकड़ने के लिए ना हम कुछ भी करेंगे। तो आप कुछ भी करेंगे? कुछ भी। तो ठीक है, आइए खेलते क्रिकेट। हम आपको 6 बॉल डालेंगे और अगर आपने एक बॉल पे भी सिक्सर मारा तो हम आपकी बात मान लेंगे। एक बॉल तो क्या, 6 की 6 बॉल मारेंगे, और अगर ऐसा हुआ ना तो आपको हमारा साथ देना। क्रिकेट बोला, क्रिकेट क्रिकेट बॉलिंग बैटिंग। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आप नहीं, आपका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है मैडम। अब तो बोल दिया हमने, अब आप बताइए कि आपको मंजूर है। और अगर आपसे ऐसा नहीं हो पाया तो हम ये केस आपको हैंडओवर कर देंगे। लगता है बहुत भरोसा है आपको खुद पर, करिश्मा सिंह पर। वो जो कहती हैं करके दिखाती हैं। हाँ, और पूरा शहर जानता है कि करिश्मा मैडम अपने वादे की कितनी पक्की है। S.H.O करिश्मा मैडम अपने वादे की कितनी पक्की है। लेकिन इस सब के बाद आप और हम मिलकर ये केस सॉल्व करेंगे। ठीक है ठीक है, चलिए तो शुरू करते। ऑल द बेस्ट करिश्मा मैडम। करिश्मा सिंह, आप जानती हैं कि ये केस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी, हमारी और स्थानीय की रेपुटेशन का सवाल है, और आपने हमारी किस्मत का फैसला 6 बॉल्स पर छोड़ा है। मैडम सर, हमें खुद पर बहुत भरोसा है। ये केस तो हम इन साइबर छछुंदरों से लेकर ही रहेंगे। ऑल द बेस्ट। राजीव, इसे रिकॉर्ड करना, DSP को भेजेंगे ताकि उन्हें भी पता चले कि महिला पुलिस थाने वाले चोर को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए तो अपनी किस्मत क्रिकेट में आजमाने चले। पर अफसोस, यहाँ पर भी इनको कुछ मिलेगा नहीं, और इनका हार वाला वीडियो पूरा देश देखेगा। Cheers.
कमॉन विक्रम कमॉन। संतू जी बॉल लेकर आ गए और 6 रन था वो छक्का था। ये लगा 5वां छक्का। ये मैडम मैडम बस अब 1 बॉल है हम लोग जीत ही गए हैं। ऑल द बेस्ट एक मिनट जस्ट अ सेकंड। लास्ट बॉल हसीना मैडम खेलेगी। उफ मासूमियत संतोष जी। जी मैडम साहब करिश्मा सिंह वो स्लो बॉल डालने वाला है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के कैप्टन रह चुके हैं उसकी ग्रिप और रनअप से बता सकते हैं कि वो स्लो बॉल ही डालेगा। मैडम सर आप टेंशन मत लीजिए 5 बॉल खेल लिए ये भी खेल ही लेंगे। बड़ा भयानक वाला स्ट्रेटजी लग रहा है। वक्त आ गया मर्दों को बताने का कि ये खेल सिर्फ उनका नहीं। Come on Vikram, cheer up, come on, Hogan, yes, yes, Vikram, Vikram, come on, Vikram, yes, come on, cheer up Vikram. ये नो बॉल है। जो वीडियो बना रहे हैं वो चेक करके देखिए। बढ़िया कम ऑन यू कैन डू इट कम ऑन। बच गए वाह मैडम का आंख नहीं कैमरा है। थैंक यू हसीना मैडम।
बहुत अच्छा खेले आप। थैंक यू मैडम सर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। आशा करते हैं कि अब आप अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। मानना पड़ेगा आपको, बहुत बढ़िया खेली आप। ठीक है, मिलके काम करेंगे। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सुबह सुबह हमारी लाडली बहू रानी ने कोई बॉम्ब फोड़ दिया क्या? अरे नहीं पुष्पा जी, आज साइबर डिपार्टमेंट को क्रिकेट मैच में हमने हरा दिया तो केस सॉल्व करने के लिए और 24 घंटे मिल गए। तो मैडम सर ने सबके लिए चाय मंगाई, लेकिन बदनाम ने इतनी गंदी चाय बनाकर भेजी ना, ना उसमें अदरक था और शक्कर तो बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम ही बेकार चाय बनाकर भेजी। ये नालायक बदनाम भी ना, बस एक बार हमें ड्यूटी वापस ज्वाइन करने दे, फिर देखना ऐसी कड़क कड़क बढ़िया सी चाय बनवा के लेंगे बदनाम से। खैर छोड़ो, ये बताओ वहाँ क्या चल रहा है थाने में? पुष्पा जी आपको एक बात बताना भूल गए, आपकी डेस्क पर जो पंखा है ना वो खराब हो गया है। हाँ, और पंखा ना चलने के कारण ऊपर मकड़ी का जाला भी बन गया है। हाँ, ये अलमारी के पीछे वाली मकड़ी होगी, जरूर हमें वहाँ ढूंढने आई होगी कि कहाँ गई हमारी प्यारी पुष्पा जी। देखो संतू देखो, मकड़ी तक याद करे हमें थाने में। यहाँ किसी को और कोई काम धंधा है या पूरा दिन महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बताता रहे पुष्पा जी को? फोन पर भी डराती है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आपको कैसे पता चला पुष्पा जी फोन? पिछले जन्म का कनेक्शन है हमारा पुष्पा जी से, जहाँ पे भी होती है ना हमको खबर पड़ जाता है। और तुम हमको एक बात बताओ, इस सरकारी टेबल पे बैठ के तुम्हारा क्या टाइम पास चल रहा है? ये कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास संतू। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि हमारी टीम का हर मेंबर अपने काम को लेकर कितना संजीदा है। टेम्परेरी ही सही, अब आप यहाँ की नई SHO हैं। अपनी टीम को साथ लेकर चलना सीखिए और उसके लिए उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ करना होता है। जी मैडम सर, आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का। फिलहाल हमें 24 घंटे का वक्त मिला है साइबर सेल वालों से। 24 घंटा के अंदर अंदर अगर हमने ये केस सॉल्व नहीं किया तो ये केस तो हाथ से जाएगा ही जाएगा। साथ में वर्दी पर जिंदगी भर का दाग लग जाएगा कि एक टीनेज लड़का था वो हमारे थाने में आया, चोरी करके चला गया और हम उसको पकड़ नहीं पाए। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इनफैक्ट अब हमें उस तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारे पास आएगा। वो कैसे मैडम सर? संतोष शर्मा, हमने जो चीजें मंगवाई थी वो आ गई। रेडी है मैडम सर। गुड, तैयार हो जाइए फैंस्टा का नया स्टार बनने के लिए। मैडम सर, ये क्या पहना दिए हमको? ये इतना खुला खुला और इतना एकदम टाइट, अनकंफर्टेबल हो रहा है, फंस गए हम इसमें। क्या बे? सॉरी 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 करिश्मा मैडम, नहीं आप पार्टी के लिए जा रहे, किसी को कूटने नहीं जा रहे। नहीं मतलब आपने इतना अच्छा गाउन पहना है तो उस तरह से नजाकत दिखाइए ना, इस गाउन में कैसा वॉक होना चाहिए ये ऐसा। ये बिल्लू बिल्लू बिल्लू, उसमें एक अदा होनी चाहिए, एक नजाकत होनी चाहिए, एक नखरा होना चाहिए, समझे? जैसे कि मैंने अभी करके दिखाया। बिल्लू, जो चल कर दिखाया हो ये वाला सदमा तो हम कैसे भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये वाला गाउन में तुमको इमेजिन करके ना, मतलब हमारे शरीर में झुरमुरी पैदा हो जा रहा है। बाबू क्या कर रहे हो? मैडम सर, हो जाएगा। गुड, अब आगे, अब आगे, अब पार्टी। पार्टी? मैं अभी आया। पार्टी मैडम सर, आइए। ये दोनों
हाँ जी, और ये पार्टी हम ही रखे हैं। सोशल मीडिया के लिए रखी गई सबसे बेस्टेस्ट पार्टी यूसी। चले रुको 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 रुको, मैं भी आया। अब चले। जी मैडम सर, चलिए चलिए। करिश्मा सिंह। जी मैडम। हमने साइबर डिपार्टमेंट से बात करके हम दोनों के फेक अकाउंट्स बनवा लिए हैं, जिनकी लाखों से भी ज्यादा फॉलोइंग हो चुकी है। हमें यकीन है कि हमने जो जाल बिछाया उसमें वो जरूर फंसेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू आवर ग्रेट ग्रैंड पार्टी एंड थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर सेलिब्रेशन। अरे सुनिए सुनिए, हमको अटेंशन दीजिए। आज का हम जो ये पार्टी रखे हैं ना, हम इसलिए दिया है क्योंकि हमारा फॉलोवर बढ़ गया है। हमारा मतलब हम दोनों का। हम दोनों का। थैंक यू थैंक यू। और आज अपनी खुशी में शरीक करने के लिए हमने चंडीगढ़ से टॉप मोस्ट की सेलिब्रिटीज को, जिनका सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उन्हें यहाँ आमंत्रित किया है। अरे चंडीगढ़ की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जैसी और सैसी। पार्टी करो पार्टी। एंजॉय द पार्टी। बड़ी मछलियां लगती हैं, अब आएगा मजा। हाथ ललचा रहे हैं चोरी के लिए। बिन्नू कंट्रोल कंट्रोल, कंट्रोल कैसे कंट्रोल, इतनी देर से चोरी नहीं की है, हाथों में खुजली आ रही है। कंट्रोल बिल्कुल कैसे कंट्रोल करे, प्रैक्टिस भी तो चाहिए, तुम चोर हो, चोरी करो। हाथ को काबू में रखो, चोर को पकड़ने आया, चोरी करने नहीं आया। ज्यादा हाथ चला तो हवाई जहाज बन के उड़ा देंगे तुमको। नहीं, वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएंगे ना, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहा था चोरी को। कर ली, मन भर गया, दोबारा हुआ तो उड़ा देंगे यहाँ से तुमको। और संतु क्या चल रहा है? मजा तो बहुत आ रहा है पुष्पा जी, देखो हमारी बहू रानी को भी ना अभी सस्पेंड करना था। कितना मिस कर रहे हैं हम ऐसे अंडरकवर होकर किसी मिशन पे जाना, अंदर से तो एकदम मरे जा रहे हैं हम, क्या बताएं तुमको। हाँ पुष्पा जी, मैं समझ सकती हूँ आप ये सब कितना मिस कर रहे हो। और नहीं तो क्या, नौकरी के चक्कर में कहाँ हो पाती है पार्टी वार्टी, इस मिशन के बहाने से ही थोड़ा तैयार हो लेते, सज धज लेते। चलो ठीक है पुष्पा जी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, सुनो ना, अब हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा पनीर और बिरयानी पैक करवा के बहू रानी के हाथों भिजवा देना। हाँ हाँ ठीक है ठीक। इस पर भी बहू रानी का असर हो रहा है, हमारी बातें नहीं सुन रही है। क्या है, कितनी ड्रिंक पिलाएगा तू मुझे, पागल हो गया है क्या, कब से यहीं पे मंडराया जा रहा है, बाकी सबको भी ड्रिंक सर्व करना वरना शक नहीं हो जाएगा। मैडम सर चोराएगा कब? पेशेंस करिश्मा सिंह, पेशेंस, वो चोर आएगा और यहीं आएगा, आप थोड़ा पार्टी एंजॉय कीजिए तब तक।
संतू, संतू, संतू होश में आ। हमारा फिर से चूना लगा के चला गया वो। जूस, उस जूस में ऐसा कुछ था जिसने हमारे सबके होश खराब कर दिए। फिर से हमारी आंखों के सामने से हमें बेवकूफ बनाकर चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। और कमाल का बात यह कि हमको शक भी नहीं हो और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। इतना मुश्किल से 24 घंटा का समय मिला था हमें इस चोर को पकड़ने के लिए, वो भी हमारे हाथ से निकल गया। आपका हो गया तो हम कुछ बोले? हमारी नाक के नीचे से कुछ भी नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है बाकायदा हमारी आंखों के सामने हुआ है। आप सब लगभग 3 मिनट के लिए बेहोश थे लेकिन हम नहीं, इसलिए यहां पर जो कुछ भी हुआ हमने देखा। हम शुरुआत से ही हर नए चेहरे पर नजर रखे हुए थे। एक वेटर था जो पहले नहीं था, फिर बाद में आया। जब हमने देखा कि वो वेटर ड्रिंक्स के जार में कुछ मिला रहा है तब हमारा शक और भी पक्का हो गया। तभी हमने संतोष से कहा कि वो दोनों जार लो डोज वाली दवाई से बदल दे, जिसकी वजह से आप सब लोग 3-4 मिनट के लिए सो जाएंगे और चोर को चोरी करने का मौका मिल जाएगा। बहुत बढ़िया मैडम सर, मतलब चोर आपकी आंखों के सामने था, आपकी आंखों के सामने से उसने चोरी किया लेकिन आपने उसको कुछ नहीं कहा, आप यूं ही खड़ी देखती रही। आपको पता भी है मैडम सर कि यही एक मौका था जिसमें हम उस चोर को पकड़ सकते थे और आपकी वर्दी में जो दाग लगा उसको धो सकते थे, लेकिन आपने उसको ऐसे ही जाने दे दिया। क्योंकि हम चाहते थे कि वो चोरी करे। जी हाँ, हमारा झूठ मूठ का बेहोश होना, उसका चोरी करके यहाँ से चले जाना, वो सब हमारे प्लान का हिस्सा था। और जहां तक बात है उसे पकड़ने की, आप भूल जाती हैं कि आप बात किससे कर रही हैं। क्या लगता है आपको कि हमने उसे ऐसे ही इतनी आसानी से बस जाने दिया? उसे पकड़ने के लिए कोई प्लानिंग कुछ भी नहीं किया? ये देखिए, साइबर डिपार्टमेंट से लिया हुआ जीपीएस ट्रैकर हमने हमारी ज्वेलरी में लगा दिया था, जिस कारण अब हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, जब चाहे उसे पकड़ सकते हैं। पर मैडम सर, जब चोर सामने ही था तो? सिर्फ इस चोर को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है संतोष शर्मा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि 18-19 साल का बच्चा मास्टरमाइंड है। कोई और है जो इसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जिसके इंस्ट्रक्शंस ये फॉलो कर रहा है। शायद वो आदमी जिसे जाकर ये अपना माल बेचता हो, या फिर कोई और। हमें उस आदमी तक पहुंचना है। इस बच्चे को पकड़ के कुछ नहीं होगा। चोरी चोरी ही होती है मैडम सर। अगर मैडम सर वो चोर किसी और चोर के लिए काम भी कर रहा है, फिर भी कानून की नजरों में तो बराबर का मुजरिम ही हुआ ना वो। अभी 2 डंडे पड़ते ना हवालात में, उसको रखते ना 4 घंटे के लिए, तो अपने आप उसकी अकल ठिकाने आ जाती और कानून का इज्जत करना सीख जाता और दूसरों को भी इज्जत करना सिखा देता। अगर हम उसको पकड़ लेते मैडम सर, तो वो उगल देता ना कि कौन है वो बड़ा चोर जो उसको उकसाता है ये चोरियां करने के लिए। करिश्मा सिंह, आपके टॉर्चर करने के लिए वो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है। वो महज 18-19 साल का एक लड़का है जिसे अपनी गलतियां सुधारकर एक साफ सुथरी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, और जिसमें हम उसकी मदद करेंगे। ठीक है, कीजिए आप मदद अपने तरीका से, लेकिन अब हम ये केस अपने तरीका से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने बहुत शर्मिंदगी सह ली है इस केस में। हम चीता चतुर्वेदी, क्या खबर? मैडम सर, इना पूरा का पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। हमको लग रहा है वो साइबर चोर ना यहीं पे कहीं पे रहता होगा। अच्छा, कोई मूवमेंट हो रही है? मूवमेंट हो गई। क्या, कहाँ? किसी के साथ है या अकेला है? मैडम सर, वो लड़का अपने घर से ना एक बड़ा सा बैग लेकर ना बाहर निकला है और बाइक पे बैठा हुआ है। मतलब वो ज्वेलरी बेचने जा रहा है? मैडम सर, वो बाइक शुरू कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। संतोष शर्मा, जल्दी उसका लोकेशन ट्रैक करिए। मैडम सर, चारबाग स्टेशन की तरफ जा रहा है ये। ओके मैडम सर, जब इतना ही श्योर है तो उसको आप पकड़ क्यों नहीं लेती, जेल में क्यों नहीं डाल देती, इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये सही समय नहीं है करिश्मा सिंह, हमें सिचुएशन को समझकर फिर एक्शन लेना होगा। कब? जब वो पूरा ज्वेलरी बेचकर यहाँ से चला जाएगा। मैडम सर, हमें नहीं पता आपका राइट टाइम कब आएगा, लेकिन हमें यहाँ 3 घंटा दिखा रहा है जो टाइम हमें मिला था, और हम वो टाइम यहाँ बैठ के बर्बाद नहीं कर सकते। आपके चक्कर में बैठे रहे तो ये चोर फिर हाथ से निकल जाएगा। करिश्मा सिंह, हमें बैकअप के लिए रुकना हो। मैडम सर, ऐसे टोपा के लिए हम अकेले काफी है।
प्लीज गोली मत चलाना मैम, प्लीज मेरी बात सुनो। हिलना नहीं, आज हमारा मूड अच्छा नहीं है इसलिए कोई चालाकी नहीं। मैम प्लीज गोली मत चलाना मैम, प्लीज मेरी बात सुन लो मैम, गोली मत चलाना मैम, प्लीज। तुम्हारा अध्याय हुआ समाप्त, अब देखते हैं क्या कहते हैं डीएसपी सर। एक मिनट मैम प्लीज, एक बार मेरी बात। मिनट, यहाँ देखो, ये मैडम सर के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि ये चोर हमारे कब्जे में, और थाने पे जो दाग लगा है वो धुल गया है। चल हमारे साथ। मैडम प्लीज एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए मैडम, प्लीज मेरी एक बार बात तो सुनिए मैडम। देखो ज्यादा टोपागिरी नहीं हमारे साथ, वरना हम ना। पुलिस साथ लाया था? ओके बस, ये सब झूठ है, मैं किसी को साथ नहीं लाया। गाड़ी चलाओ। मेरा नाम संजू है मैम, वो साइबर चोर मैं ही हूँ जिसकी आप लोगों को तलाश थी, सारी चोरियां मैंने की हैं। मेरे माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे, और ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया, अपनी दादी के लिए किया। उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, जो मैं मेहनत और ईमानदारी से नहीं कमा पा रहा था। फिर एक दिन इन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर इनकी बताई हुई जगह पर मैं चोरियां करूंगा और वो कीमती सामान ले जाके इनको दूंगा, तो ये उसका 20% कमीशन मुझे देंगे, जिससे मैं अपनी दादी का अच्छे से इलाज करवा पाऊंगा। बस यही था मैम, प्लीज मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे अपनी दादी के साथ रहना है। ये सब चोरी करने से पहले क्यों नहीं सोचा? ये केस साइबर डिपार्टमेंट का है, एक बार वो लोग यहाँ आ जाए फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तब तक वहां जाओ, वहां जाकर बैठो। अरे ओ बहन जी, हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया कि हमने आप पे शक किया। वेरी वेरी सॉरी। गुड, हाँ इट्स ओके। एक्चुअली सॉरी तो मुझे भी आपसे कहना चाहिए, क्योंकि मैंने भी तो आप पे डाउट किया था ना। हाँ तो बोलिए। सॉरी। वैसे मैडम जी, आज से हम दोनों का ना ये ऑनलाइन का बेबकूफिया सब बंद। हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अपनी लोकेशन और अपना पर्सनल एक्सपेंसिव स्टफ ऑनलाइन मीडिया पे डालना कितना डेंजरस हो सकता है। माय गॉड। और नहीं तो क्या मैडम जी, ये सब हरकतें करके हम कितने सीरियस और भयंकर क्राइम को बढ़ावा दे रहे थे, अपनी निजी और घरेलू जानकारियां सोशल मीडिया पे डाल के। हम जान गए हैं आपका हर फॉलोवर फैन नहीं होता, चोरिया गुंडा भी हो सकता है ना। एग्जैक्टली। हाँ, और अगर आप दोनों को एक दूसरे को जलाना ही है तो मिलकर जलाओ ना, आप तो पड़ोसी हो, सोशल मीडिया पर क्यों डालना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी गुड आइडिया। हमें खुशी है कि ये बात आप दोनों को समझ में तो आई। अरे मैडम समझ आ गई, बहुत अच्छे से समझ आ गई ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम। वैसे मैडम जी, आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। नमस्ते मैडम सर। केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि ये चाय कौन पिएगा? टोपा हो कबे तुम? किए थे ना प्रॉब्लम सॉल्व, दिए थे ना पुष्पा जी को चाय लास्ट टाइम, तुम काहे घुसन खाने वाले काम करते हो बे? नहीं, पुष्पा जी तो ये शर्त दो एसएचओ के बीच में लगी थी, जो केस सॉल्व करेगा वो चाय पिएगा। तो बताओ ये केस किसने सॉल्व किया और ये चाय कौन पिएगा?
जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। क्या हुआ? क्या हुआ मैडम सर? आप ये ट्रेडमिल कर रही हैं? आप बाहर मौसम बहुत अच्छा है, आप बाहर जाके जॉगिंग कीजिए। आपको ट्रेडमिल यूज करना है? नहीं नहीं, हमको ट्रेडमिल, हम तो, हमारा तो जो होगा वो योगा से ही होगा। आप क्या हुआ, क्या कहने आई हैं? कहने हम? नहीं नहीं मैडम सर, हम कुछ कहने नहीं आए हैं। अच्छा, तो फिर करिए योगा। योगा से ही होगा ना, करिए अपना शीर्षासन, हम भी सीख लेते। वो हम घर पे सुबह कर कर आते हैं। तो फिर फाइनली बता ही दीजिए कि आप क्या कहने आई हैं, क्योंकि चीजें छुपाने में तो आप एकदम सही पकड़ लेती है मैडम सर आप हमें। वो हम कह रहे थे कि आज के दिन आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी क्यों? घर जाइए आप, अपने लिए लड़का वड़का देख लीजिए ना आज घर पे। अभी तो कोई लड़का है भी नहीं देखने के लिए। अच्छा, तो अम्मी अम्मी के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए मैडम सर आपने। तो आप मॉल में जा सकती हैं शॉपिंग करने के लिए, सेल लगा है। और नहीं तो आप अंदर का गालिब जगाइए मैडम सर, आप शेरो शायरिया कीजिए आप। अच्छा देखिए करिश्मा सिंह, अब गालिब का तो ऐसा है कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब मन होता है तभी आते हैं। नहीं, हम कह रहे थे आप सेहत का ध्यान दीजिए मैडम सर, आप एक छुट्टी लेंगी ना तो आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा जी, आपको हमारी सेहत की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी, वेलकम बैक। आप कहाँ से आ गई पुष्पा जी? हमने बुलाया। आपने ने एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया, हमने कुछ नहीं कहा, बिकॉज हम आपके ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट कर रहे थे। ठीक उसी तरह उम्मीद करते हैं कि जब हमने इन्हें वापस बुला लिया है तो आप हमारे ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे। खैर ये सब तो होता रहेगा, आप ये बताइए कि आपको हमारी फिक्र क्यों हो रही है? फिक्र? नहीं 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 मैडम सर, इनको किसी की पड़ी नहीं है। करिश्मा मैडम आपको यहाँ से भगाना चाहती है ताकि यहाँ थाने में अपनी मनमानी चला सके। अच्छा, आप हमें भगाना चाहती हैं करिश्मा सिंह? क्यों, हमसे कोई दिक्कत है? नहीं नहीं मैडम। दिक्कत? घनघोर दिक्कत। वो क्या है ना, करिश्मा मैडम SHO तो बन गई, मगर आपके यहाँ होते हुए अपनी SHO-गिरी नहीं दिखा पा रही ना। वो क्या कहते, इनकी हालत तो ऐसी हो गई है, अब हाथ को आया पर मुंह ना लगा। हो गया पुष्पा जी। कोई दिक्कत नहीं है मैडम सर हमें आपके यहाँ होने से। बात यह है कि हम जानते हैं हमारा ये SHO होने का फेस चल रहा है और इसमें हमें आप ही से ही सीखना है, लेकिन आप हमें एक बात बताइए कि हम कैसे सीखें? जब खुद का तरीका से इंडिपेंडेंटली केस सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा काबिलियत कैसे बाहर आएगा? बात तो ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अफसोस हम छुट्टी लेना नहीं चाहते। लेकिन एक काम हम जरूर कर सकते हैं, अब अगला जो भी केस आएगा उसे सिर्फ और सिर्फ आप हैंडल करेंगी इंडिपेंडेंटली। नहीं 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 मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इनको अकेले छोड़ना मतलब खुले मैदान में किसी सांड को अकेले छोड़ने वाली बात हो गई। अच्छा, और आपको नहीं लगता आप उसी सांड के सामने लाल कपड़ा दिखा रही हैं? मैडम सर कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम इस थाने को पूरा जिम्मेदारी के साथ चलाएंगे। ठीक है फिर तयरा, अगला केस आप ही हैंडल करेंगी और जब तक आप नहीं कहेंगी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब भी आपको मदद की जरूरत हो आप हिचकिचाएंगी नहीं। नहीं नहीं मैडम सर, उसका नौबत ही नहीं आएगा।